इसको रीड करना इट्स अबाउट एन ओताकू जो कि चूतिया सा एकदम और फिर कुछ चमत्कार होता है जिसकी वजह से इस लॉन्डे को एक टारगेट मिल जाता है और ये टारगेट से क्या होगा वो तो मानवा में रीड करना डिस्क्रिप्शन में मैं इस मानवा का लिंक दे दूंगा रीड कर लेना इसको बहुत सेक्सी लगेगा तुम्हें तो पक्का पक्का एकदम सेक्सी लगेगा एंड नाउ ये लो इंट्रो लेट्स बेग्र वैसे हमेशा ओडा ब्रेक के बाद एकदम फार्ड चैप्टर लाते हैं बट दिस चैप्टर वॉज टू तो बी ऑनस्ट ठीक ठाक नॉट वेरी फार्ड लेकिन अच्छा भी था मतलब बुरा नहीं था अच्छा था बट एकदम एक्सपेक्टेशन्स मैच नहीं किया जिसमें ऑब्वियसली अपनी ही गलती है ज़बरदस्ती बहुत ही उम्मीद करके रखे थे सब चैप्टर के स्टार्टिंग में मार्को दिखा विद ईजो एंड शायद मरीन फोर्ड वर के बाद अब जाके मार्को फुल फिनिक्स फॉर्म में है एंड सिंस मेरा फेवरेट डेविल फ्रूट मार्को का ही फ्रूट है मार्को को प्रॉपर फिनिक्स फॉर्म में देख के अच्छा लगा मेरे को मार्को ई जो बल्ड ली है वो योकाई को संभालने योकाई माने वो फायर वाला डीमन टाइप्स जो था जिसको कांजोरे ने ड्रॉ किया था मरते मरते चूतिया वो ड्रॉ करके गया था ना वही एक पैनल में अपने को बिग मॉम भी आधी दिखी है जो कि लमाओ हंस रही है मा 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 <laughs> आयो ये जो फू फुग, फुगा है इसके साथ सीन पूरा बदल नहीं गया पिछले चैप्टर में मेरे को इतना गंदा लग रहा था ना बट <laughs> इस चैप्टर में क्यूट लग रहा लमाओ वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फुगा पहले से यामाटा का दोस्त था <laughs> पिछले चैप्टर में कैसे चेस कर रहा था मैं चुपती को मेरे को गंदा लग रहा था इस चैप्टर में फ्रेंड निकला यार <laughs> वो नाइस nice। और तो वे यामाओ ने फुगा से बात किया कि लॉन्ग टाइम नो सी ऐसा वैसा इट टेल्स कि ये तीन नंबर्स कहीं से भी तीन सामोराइज नहीं है और मुझे नहीं पता था कि फूगा के नीचे के बॉडी एक घोड़े जैसा है इश नाइस वैसे रॉबिन और ब्रुक भी इस फूगा पे गिर गए वाइल गेटिंग अवे फ्रॉम सीपी जीरो फुगा का बाल मस्त सॉफ्ट था करके इन दोनों को कुछ नहीं हुआ सीपी जीरो वालों के पीछे योकाइदा करके रॉबिन ब्रुक बच गए ऐसे तैसे और अभी ब्रुक और रॉबिन फूगा के ऊपर है फूगा यामाटो के साथ है डज दैट मीन की जल्द ही देर विल बी अ यूनियन बिटवीन रॉबिन ब्रुक एंड यामाटो नाइस यार यामेटो रॉबिन दोनों फेवरेट है मेरे तो मज़ा आएगा दोनों को देखने में सबसे बड़ा मजाक तो इस चैप्टर का मेरे को उस लगे सीपी जीरो इन लोग ना इतना चैट वे में सब चीज़ डिस्कस कर रहे थे पूरे वॉर के बारे में मैं सोचा था कि ये लोग ना लास्ट में एकदम सरप्राइज अटैक करेंगे और सबको डरा देंगे एटलीस्ट इनको देख के तो लग रहा था वैसे लेकिन इतने चूते है भैया बैडेस से बुरी गेंद बनने में इनको देर नहीं लगा पिछले चैप्टर में सीपीसी एकदम चौड़ में निकले थे कि रॉबिन को तो ऐसे पकड़ ऐसे ऐसे और इस चैप्टर में खुद ही का पकड़ लिया लमाओ वो योकाई के चक्कर में पहले तो इन लोग रॉबिन को जाने दे दिए उसके बाद रॉबिन के बदले इन लोगों ने आपू और ड्रेक को उंगली किया है आई मीन अपू को तो लिटरली उंगली कर दिया है भाई सी पी जीरो के मास्क वाले हेड ने शिगान यूज करके हाँ शीगान से याद आया पिछले वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना इट्स अबाउट रोकुशी किया यार शिगान विगान सब डिस्कस किया देख लेना उसको भी ऑल्सो मेरे को ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था अपू और ड्रेक के लड़ाई मारकाट प्यार व्यार जो भी था उनका मेरे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इनका संभोग दिखा देते तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं था लेकिन ये क्या है वे अब ये दोनों मिलके सी पी जीरो से लड़ेंगे वो सी पी जीरो जिसका काम भी नहीं है इनसे लड़ना उनको रॉबिन पकड़ना है लेकिन दे आर बिजी इन शिटिंग अराउंड दिस टू शीट्स रॉबिन पे ध्यान दो ना बे जाओ ना वापस रॉबिन के पीछे लेकिन ये यहाँ पे बिजी है बट अमंग दिस शीट्स एक चीज़ पता चल गया कि ड्रेक जो है ही इज़ नाइदर अ पायरेट नॉर अ वर्ल्ड गवर्नमेंट का चमचा ड्रेक को पहले भी स्वर्ट का कैप्टन बताया गया है बहुत लोग अभी तक सोचते थे कि स्वर्ट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड ड्रेक को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने नहीं भेजा काइडो के अड्डे में जासूस के रूप में बट इस चैप्टर से पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का आदमी नहीं है ड्रेक तो ड्रेक जासूसी कर किसके ले रहा है आंसर इस स्वर्ड अब मैंने इस वॉर्ड को कवर करके एक थ्योरी बनाया है जिसमें बहुत स्वाद व्यूज़ आए हैं अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा होगा तो उसको चेकआउट कर लेना थ्योरी देख लेना एंड फॉर वंस सिर्फ एक ही बार बोल रहा है मैं ठीक है इसके बाद कभी नहीं बोलूँगा मैं ये बोल रहा है कि अपू इज स्ट्रोंग क्योंकि जिस वे में उसने वो सी के हेड के शिगान को अपने आर्मा में ठाकी को यूज़ करके बचा इट शोज कि अप्पू इज़ गुड इन आर्मो मैं बट ये अपू है अगर मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसकी बुराई भी करूँगा क्या चूतिया बंदा है ये पैम्चो फाइट के बीच में फ़ोटो कौन लेता है मतलब क्या है ये ये चूतिया वॉर के बीच में सी का फोटो ले रहा था ताकि बाद में वो चीज़ मोरगन को बेच सके <laughs> अभी कितने दोगले दो लेप्पू तुम चला इसको ना मरी जाना चाहिए पता है सी पी जीरो के हेड के शिगान से बीसी एक तो ये सी पी जीरो के हेड का नाम रिवील होना चाहिए यार जल्दी इतना लंबा बोलना पड़ता है सी पी जीरो का हेड का शिगान कुछ चूची पुची जैसा नाम मांगता है अपने को ताकि बात करने में ईजी हो और सेकेंड हाफ में अपने को जोरो किंग के फाइट को दिखाया गया है विच इज़ आई डोंट नो वाई बट नॉट दैट एक्साइटिंग एम आई दी ओनली वन जो कि साझी को देखने में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके साथ गलत सीन हो रहा है कमेंट्स में बताओ मुझे कि तुमको अभी जोरो किंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सांझी क्वीन वैसे इनका जो फाइट दिखाया है वो कोई बहुत खास फाइट नहीं दिखाया है थ्रू आउट फाइट किंग ने गंदे से जोरो को डोमिनेट ही किया है एंड इट्स क्लियर कि किंग बहुत स्ट्रांग है जोरो से इवन तो जोरो काइडो से पिट के आया है वो अभी भी एंडमा यूज कर पा रहा है विच मीन्स ही इज नॉट वीक एंड किंग इज डोमिनेटिंग हिम इवन आफ्टर दैट जो कि दिखाते कि, कि इतना स्ट्रांग है किंग जोरो मुश्किल से बस किंग के अटैक्स को टैंक करके इंपैक्ट कम कर पा रहा है वेर एज जोरो के कोई भी से किंग को कुछ नहीं हो रहा इवन जोरो को ये चीज कर ही नहीं पा रहा है जो किंग को दिक्कत दे बट हाउ विल जोरो पक्का हराएगा लेकिन कैसे यहाँ पे देर कैन बी टू वेज या तो जोरो वीकनेस को ढूंढ के किंग को हराए या फिर जोरो से किंग को हराए और ओडा ने फिर से बहुत फुद्दू चीज दिखाया किंग ने लिटरली अपने चोच को गुलेल टेप जोरों पे शूट किया व्हाट द फक ये क्या हो रहा है बे वैसे वन थिंग दैट इज़ इम्प्रेसिव इज इवन दो जोरो इज गेटिंग डोमिनेटेड जोरो धीरे धीरे जानने लग रहा है किंग के बारे में उसको इतना तो समझ आ गया कि किंग इज नॉट समथिंग जिसको आज तक उसने देखा है जो कि सही भी है यार आई मीन लुडेरन को हमने किंग के अलावा नहीं देखा है तो जोरो क्या ही देखा होगा किंग दूसरा रेस का है एंड जोरो धीरे धीरे समझ रहा है एंड आई एम श्योर कि तुम्हें भी इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग ट्विस्ट जोरो के एनमा को देख के लगा होगा कि कैसे एनमा अचानक से जोरो का ज्यादा हाकी खींचने लग गया वो भी एक शामी सेन के आवाज से इट्स लाइक एनमा इज अलाइव जो कि अजीब है बट इस सस्ते सितार के आवाज़ से एनमा क्यों हॉर् हो रहा है बे और कैसे हॉर्न हो रहा है क्या सीन है कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे मैंने कुछ सस्ते लीक्स देखे थे रेडिट पे जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी तो लीक्स के हिसाब से चैप्टर टेन थर्टी फोर में एनमा का अवेकनिंग जैसा कुछ होगा ब्लैक ब्लेड का कुछ सीन होने वाला है जो कि मेरे को लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है क्योंकि हमने देखा है कि जोरो को समझ आ चुका है कि ब्लैक ब्लेड क्या है तो मे बी नाउ इज द टाइम फॉर एनमा टू बिकेम अ परमानेंट ब्लैक ब्लेड जो कि बहुत अजीब भी होगा क्योंकि अभी तक परमानेंट ब्लैक ब्लेड व्हाइट बेर्ड रॉजर बिग मोम शैक्स जैसे लोग नहीं बना पाए तो जोरो का परमानेंट ब्लैक ब्लेड बनाना वो भी एनमा को उस ब्लेड को जिसको ओडन जोरो से भी अच्छा यूज करता था और फिर भी परमानेंट ब्लैक ब्लेड नहीं बना पाया था तो जोरों का ब्लैक बेड बनाना मुश्किल है बहुत बट जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ सही भी हो सकती है और गलत भी और मोस्ट लाइकली गलत ही होगा बैक टू द सस्ता सितार ठीक है हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए थे तो ये जो सस्ता सितार था इसको और कोई नहीं अपनी हियोरी बजा रही थी बट द थिंग इज़ कि वो ओनीगा आई कब और आई तो क्या हियोरी ही, ही वो थी जिसने अकाजाइज को किसी वे में हील किया था मे बी एंड सस्ते सितार की आवाज़ को सुन के देखने गया कि कौन बजा रहा है बे ये चीज़ एंड ही फाउंड आउट कि कोमरा साकी ए के इज अ लाइफ लेकिन द वे हियोरी ने उसको रिप्लाई दिया ना कि मैं आपके साथ हमेशा रहेगी <laughs> वो वी कैन सी वेयर दिस इज़ गोइंग ओरोची ख़त्म है मेरे को तुमको और सबको पता है हियोरी ने क्यों बोला ऐसे बस मेको हियोरी के हाथों से ओरोची को मरते देखने का है बस भाई जितना प्लॉट डालने पानों में डाल दो ये चीज़ बस दिखा दो और अभी तो ओरोची का एक ही सिर बचा है तो इस बार तो ओरोची मोस्ट लाइकली पक्का से मर जाएगा इस सोच के मज़ा आ रहा है मैंने अभी <laughs> मैंने मैंने अभी जस्ट रियलाइज़ किया कि ये मोमेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है इसकी वजह से चैप्टर अच्छा चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है मेरे लिए सो दिस वॉज ऑल माई मैंने कवर कर दिया ना मेन मेन टॉपिक्स पर अपना मतलब भेजा लगा दिया ना तुमको अपना ओपिनियन टाइप्स दे दिया हाँ सोरों को देख के इतना खास नहीं लगा क्योंकि बेचारा वो पीट ही रहा था बट उसको दिमाग लगाते देख अच्छा लगा मार्गो को फुल फिनिक्स फॉर्म में देख के मस्त लगा यामाटो और रॉबिन के यूनियन को देखना चाहता है मैं और ही और मेरी जान मार सा रुचि को ले अपने बाप के मार का बदला अपने सस्ते सितार से ही काट दे उसको काटने से आदा ये सस्ते सितार एन्मा की आवाज़ से एनमा की हॉर नहीं हो रहा था पता नहीं बट आई एम श्योर कि ओडा कुछ सेक्सी सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे इसका वेट अभी ओडा कुछ फुद्दू चीज़ें भी दिखा रहे है जैसे कि किंग का चोच क्वीन का गर्दन इसलिए मैं श्योर तो नहीं है बट uh, मैं होप जरूर करता है कि ओडा कुछ सेक्सी एक्सप्लेनेशन देंगे उस चीज़ का दैट इज ऑल टारगेट हंड्रेड मिलियन पॉइंट्स को चेकआउट करना मत बोला डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा देख लेना हाँ बोला नहीं अभी तक ना खानदानी परंपरा नहीं क्या तो कर दो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन कमेंट में इस चैप्टर का बेस्ट मोमेंट बताओ द लास्ट ओरिजेड मोमेंट वॉज बेस्ट फॉर मी भाई मैं तो भाई तड़प जा रहा भाई वो चीज देखने के लिए और अब नेक्स्ट वीडियो में आवाज सुनने मिलेगी तो बाय